नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज सैंड इज़ बींग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ एम के जी पर सेकेंड द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ वी विल बी हमारे ऑप्शन हैं जीरो एम वी बाय टू टू एम वी या फिर एम वी न्यूटन ना वेरिएबल मास का सवाल है uh, बहुत सिंपल सवाल है इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं सो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कन्वेयर बेल्ट है और इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सैंड जो है इट इज़ बीइंग पोर्ड एट अ रेट ऑफ एम के जी पर सेकेंड अब आप चाहते हैं कि जो बेल्ट है इस बेल्ट को आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई करें और जिससे कि जो बेल्ट है आपकी वी वेलोसिटी से चलती रहे तो कितना फोर्स अप्लाई कर करने की अपने को यहाँ पर ज़रूरत है राइट right. uh, इस पर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे सो so, यहाँ पे हम कहते हैं एफ इजिक्वल टू डी पी बाय डी टी लाइट अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हम इसे कह सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम वी और इसको हम लिख सकते हैं ये हमें प्रोडक्ट रूल पता है डिफ्रेंशिएट करने का यूजुअली uh, इसको हम एम ए लिख देते हैं लेकिन एम ए हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे बिकॉज यहाँ पे मास और वी दोनों वेरिएबल हैं तो इसको हम लिखेंगे पहले एम को कांस्टेंट माने वी को डिफरेंशिएट करें एम डी वी बाय डी प्लस अब आप एम को डिफ्रेंशिएट करें डी एम बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाई वी दिस इज़ हाउ वी कैन राइट आर फोर्स तो ये अपने फोर्स की वैल्यू होगी नाउ इस केस में हमें वी जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है इस केस में ये वी अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन अपना ज़ीरो हो जाएगा यानी कि आपका जो नेट फोर्स रिक्वायर्ड है अपने को वो होएगा डी एम बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय वी नाउ डी एम बाई डी टी की वैल्यू अपने को यहाँ पे एम दी हुई है कैपिटल एम सो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू एम वी सो जो फोर्स रिक्वायर्ड है इस बेल्ट को uh, आगे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी एम मल्टीप्लाइड बाय वी न्यूटन्स सो सी वुड बी द राइट आंसर